दोस्तों मैं भी कास्टोली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग अपनी सेकंड वीडियो पोस्ट मैच एनालिसिस पर। जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जो मैच था आज उसके बारे में, मैट्यू बेरेटिनी वर्सेस मैक्सिम एंड्रेसी। दोनों प्लेयर शानदार प्लेयर हैं, एक इटली के प्लेयर और एक यूएसए के प्लेयर। विद इन टू स्टेट सेट्स में फिनिश किया मैट्यू बेरेटिनी ने। शुरुआत प्ले सीजन की अच्छी की और वो चाहेंगे कि ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू रहे नेक्स्ट मैचेस में भी। वैसे दोस्तों जो पोस्ट मैच एनालिसिस में लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ है मोंटे कार्लो मास्टर्स में। दोस्तों ये भी फर्स्ट राउंड का मैच है और मैच बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है मैट्यू बेरेटिनी द्वारा। मैक्सिम एंड्रेसी ने अच्छा प्रदर्शन किया बट डबल फॉल ने उन्हें ये मैच हराया, जो मैं मानता हूँ दोस्तों उसकी वजह से काफी ब्रेक पॉइंट्स आए भी। दोस्तों सेव भी किए बट सारे सेव नहीं कर पाए। इसी के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तो क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट जूम करके आपके पास पहुंच सके। यार बढ़ू अब पहले सेट की हो तो पहले सेट में शुरुआत दोनों प्लेयर्स द्वारा अच्छी रही 1-1, 2-2, 3-3। आई है मेन टर्निंग बात इधर से, क्यों टर्निंग बात मेन इधर से आई है क्योंकि इधर सर्विस गेम ब्रेक हुई है मैट्यू बेरेटिनी द्वारा और मैक्सिमम एंड्रेसी सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल रखा और 5-3 से आगे निकल गया। फिर मैक्सिमम एंड्रेसी ने अपनी सर्विस गेम पे होल रखा, फिर मैट्यू बेरेटिनी ने रखा और 6-4 से पहला सेट जीता। सेकंड सेट की शुरुआत किया जाए तो मैक्सिमम एंड्रेसी ने अपनी सर्विस गेम पे होल शुरू में नहीं रख पाया, बेरेटिनी ने सर्विस गेम उनकी ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल रखा बेरेटिनी ने, फिर से एंड्रेसी की सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल रखा और 4-0 से आगे चले गए। अब मैक्सिमम एंड्रेसी को दो ब्रेक बैट जल्दी से जल्द करनी थी और टाई ब्रेकर में लेके जाना चाहते हैं तो, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अपनी सर्विस गेम पे तो फाइनली होल्ड रख लिया सेकंड सेट में बट दूसरी ओर सर्विस गेम ब्रेक नहीं कर पाया और बेरेटिनी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे और 6-2 से सेकंड सेट जीता। पहला सेट 6-4 से, सेकंड सेट 6-2 से, वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हैं। क्या लगता है मैट्यू बेरेटिनी कैसा प्रदर्शन करेंगे नेक्स्ट राउंड में, कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों अगर स्टैट्स की ओर नजर डालो तो स्टैट्स देखा जाए दोनों प्लेयर्स द्वारा अच्छे रहे हैं बट डबल फॉल्ट अच्छा नहीं रहा है। 6 aces लिए मैक्सिमम ने और बेरेटिनी ने 3 aces लिए डबल फॉल्ट, 2 double fault के बेरेटिनी ने, दूसरी ओर डबल फॉल्ट एंड्रेसी ने 14 double fault के, 14 double fault बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है, 14 points ऐसे वेस्ट कर दिए। एसी जरूर ज्यादा लिए बट डबल फॉल्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स सेव, 5 ब्रेक पॉइंट्स सेव किए, 8 में से 3 बार सेव करने में कामयाब नहीं रहे। 2 सेकंड सेट में 1 फर्स्ट सेट में। दूसरी ओर बेरेटिनी ने 2 बार ब्रेक पॉइंट्स आए, दोनों बार सेव किए और नेक्स्ट राउंड में प्रवेश किया। ये मेन जीते हैं विक्ट्री हासिल ब्रेक पॉइंट्स और डबल फॉल जो मैक्सिम एंड्रेसी ने किए हैं। बढ़िया प्रदर्शन किया बेरेटिनी, चाहेंगे ऐसा ही प्रदर्शन करना बेरेटिनी के फैंस। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर उनके खिलाफ कमेंट कर दीजिए कि भाई कैसा प्रदर्शन करेंगे अपने नेक्स्ट राउंड में, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।